इट्स मी प्रियांशा, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद प्रियांशी। सो आज का जो वीडियो है वो होने वाला है एक पेपर पिग हाउस अनबॉक्सिंग। सो आप लोगों को पता है कि ये है पेपर पिग हाउस, मैं दिख भी नहीं रही हूँ, इतना बड़ा है। तो इसमें ना पिग फैमिली रहते हैं, जो कंसिस्ट करता है पेपर पिग, जॉर्ज पिग, मम्मी पिग एंड डैडी पिग। जिन जिन लोगों को नहीं पता पेपा पिग क्या है, वो एक कार्टून है और मैं उसको बचपन में देखती थी, अभी भी कभी कभार देख लेती हूँ अगर यूट्यूब में आता है तो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? पता नहीं, मैं 6 क्लास की पढ़ रही हूँ फिर भी मैं 4 साल के बच्चों वाला देखती हूँ, मैं क्या करूँ। सो ये है एक डॉल हाउस जो हमको ऑनलाइन हम लोगों ने परचेस किया था। और जैसे कि मैं बताती हूँ कि हम लोग देखते हैं, तो मैं नहीं देखने वाली हूँ जो चीज़ें आता है, तो इसीलिए। और इसको सैनिटाइज भी करते हैं क्योंकि कोरोना चल रहा है इसलिए। सो आज के इस अनबॉक्सिंग वीडियो में हम लोग थोड़ा सा ASMR भी रखने वाले हैं, टैपिंग साउंड लाइक ऐसे वाले, तो इट्स गोना बी आल्सो एन ASMR वन। सो जब सबसे पहले हम लोग हमारे पिग हाउस को खोलते हैं, और ये है हमारा पिग फैमिली, जो कि ये है मम्मी पिग, डैडी पिग, ये है पेपर पिग एंड ये जॉर्ज पिग। हंसी आती है इनको इतना बड़ा बड़ा नाक देख के, क्या करूँ। सो इसमें इधर एक टेप लगा है जिसको ऐसे पील कर लेंगे। क्या कला। सो गाइस, फाइनली हमारा ये पेपर पिग हाउस निकल आया, तो इसको ऐसे रखते हैं। ऊपसीज, ये है पेपर पिग हाउस के यू नो चीज़ें। ये है पेपर पिग हाउस जो कि बंद नहीं होगा अभी, वरना ये हो सकता है क्योंकि अभी यहाँ ये दो लगे ना, इन दोनों को निकाल देने से ये दोनों निकल सकते हैं क्योंकि इधर लगा है। इन दोनों को निकाल देने से हमारा पेपर पिग हाउस जो है वो बंद हो जाएगा, और पेपर पिग हाउस जो है वो बाहर से कुछ इस तरीके का दिखता है। ये दो दो हाउस दिख रहे होंगे लेकिन ये एक ही हाउस है, बस ये खुल गया है हमारा हाउस। कोई है? अभी हम लोग पेपर पिग फैमिली में फर्नीचर अरेंज करेंगे। ओके, सो ये है हमारा वही फर्नीचर्स। और अगर आपको नहीं पता होगा तो पेपर पिग फैमिली के कुछ न्यू फ्रेंड्स आ गए, बस मम्मी और डैडी पिग के, इन दोनों के बेचारे के फ्रेंड्स नहीं आए, लेकिन डोंट वरी, इनके फ्रेंड्स हैं। सो अभी हम लोग इनका हाउस अरेंज करने वाले हैं। तो ये वाला जो रूम है ना, सो ये वाला रूम जो है ये है पेपा और जॉर्ज का बेडरूम, क्योंकि यहाँ पिक्चर में ये वाला रूम को बेडरूम दिखाया गया है। तो इनका बंक बेड्स, ये वाला स्टेयर्स, या सो ये है पेपा और जॉर्ज का बेड। इसको असेंबल करने के लिए हमको ये जो गोल है इसको इसमें लगाना है, जाओ एक और बाकी तो। सो हमारा बंक बेड जो है वो रेडी हो गया है, एंड ये है स्टेयर्स बंक बेड के, जो कि लगेंगे यहाँ। माना कि ये टाइट नहीं है, इसको आप निकाल भी सकते हो, लेकिन पेपा तो ऊपर वाले बेड में सोती है तो पेपा कैसे चढ़ेगी, पेपा ऐसे ऐसे करके जाएगी और यहाँ सो जाएगी। ओके, सो नाउ इसको इन्होंने कैसे रखा है, ऐसे साइड से रखा है, तो हम भी इसको ऐसे साइड से रख लेंगे एंड यहाँ इनका लैडर रख लेंगे। तो पापा का बेडरूम जो वो अरेंज्ड है, बेडरूम में और कुछ नहीं है एक्सेप्ट बेड। तो ये है पापा और जॉर्ज का बेडरूम, ये हमारा बेडरूम बन गया। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा लिविंग रूम। सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। लिविंग रूम के लिए हम लोगों को चाहिए होगा ये बड़ा सा सोफा, जिसको टेढ़ा ही लगाना पड़ेगा क्योंकि टीवी इधर रहने वाला है, और इनका लिविंग रूम ही ये वाला ही है। इन लोगों ने सीधा लगाया तो हम भी सीधा लगा लेते हैं। एंड ये रहा टीवी, पता नहीं टीवी में मछली क्यों लगा हुआ है, ये तो मछली बोरिंग होती है, कोई याद नहीं। लगता है पेपा पिग और जॉर्ज पिग मम्मी, लगता है पिग फैमिली को मछलियाँ देखना अच्छे लगते हैं। ओके, एनीवेज,
अभी बाहर ये लोग रखते हैं अपना डाइनिंग टेबल, क्योंकि यहाँ अंदर तो स्पेस नहीं है। और यहाँ पिक्चर में भी आप देख सकते हो बाहर रखा गया डाइनिंग टेबल। तो ये रहा उनका डाइनिंग टेबल, एक दो तीन, और हैं इसमें तो दिया ही नहीं गया एक और, कोई बात नहीं। ये तीन ही है, हाँ पिक्चर में भी तीन है, लेकिन इन लोगों को क्या पता नहीं है कि पेपा पिग फैमिली में चार लोग हैं। ये लोग शायद इसको भूल गए बेचारा। मुझे भूल गए, तुम्हें कोई नहीं भूला, कोई बात नहीं, हम कुछ बंदोबस्त कर लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग जाने वाले हैं हमारे किचन में, सॉरी बाथरूम। तो बाथरूम के लिए बस उधर बाथटब है, ना टूथपेस्ट ना कुछ है। तो यहाँ है बाथटब जो कि ऐसा है। ओके, नाउ लास्ट बट एक्चुअली द लिस्ट जो कि है किचन। तो ये रहा किचन का सिंक, एंड ये रहा नहीं, ये है ओवन, ग्रिलर, सब गैस है, ओवन है, सब है, ऑल इन वन। सो उसके बाद है स्टेयर्स, वरना ये लोग ऊपर कैसे चढ़ेंगे, जादू आएगा क्या? तो इसीलिए हम लोगों को स्टेयर्स को कुछ इस तरीके से इधर फिट कर देना है, ताकि पिग फैमिली जो है वो ऊपर भी जा सके। एंड टडा, आवर पिग हाउस इज डन। अभी इसके फ्रेंड्स लोगों को अनबॉक्स कर लेते हैं। बेचारे तुम लोग सांस कैसे लेते हो? या ये क्या है? ओह माय गॉश, ये है डैडी पिग के फ्रेंड, मम्मी पिग के फ्रेंड। एक का हाथ टूट गया है, टूटा नहीं। सो गाइस, ये है हमारा पिग फैमिली विच कंसिस्ट्स, ऊप्सीज गिर गया बेचारा। यहाँ मम्मी पिग जो है वो उनके किचन में खाना बना रही है, सब देख सकते हो। उसके बाद यहाँ डैडी पिग खराटे लेके सो रहे हैं। डैडी पिग, मैं नहीं सोया। फिर सो गए डैडी पिग, थोड़े से आलसी। और यहाँ पेपा पिग नहा रही, ऊप्सी मुझे मत दिखाओ, मैं नहा रही हूँ, पेपा पिग को नहीं दिखाना। अब यहाँ जॉर्ज पिग भी बेड होते हुए नीचे, बेड से लुढ़क के आया है वो। ओह गॉड। और ये हैं उनके फ्रेंड्स जो कि इधर चुगली कर रहे हैं। और पता है उस दिन पेपा कितना एटीट्यूड दिखा रही थी मेरी बेटी के सामने, झूला की तो बात है, झूला भी नहीं दिखा पाई थी, मुझे उस लड़की का एटीट्यूड ही अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे क्या बोल रही है पेपा, अच्छी लड़की तो है, देख उसके मैथमेटिक्स में ना 100 out of 100 आए हैं, हमारी बेटी हो गए तो 25 भी नहीं आए। अरे वीडियो चलो, वीडियो सारे गिर गए। सो आप लोग कमेंट करना कि अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसका प्ले वीडियो बनाऊँ, ठीक है। और अगर आप लोग कमेंट करोगे तो ही मैं इसका प्ले वीडियो बनाऊँगी, वरना नहीं बनाऊँगी। सो आपको कमेंट करना पड़ेगा। अगर इस वीडियो का कमेंट्स ऑफ है तो आप मेरे कम्युनिटी टैब में भी कमेंट कर सकते हो, क्योंकि आजकल यूट्यूब प्रियंसी का हर वीडियो को मैड फॉर किड्स करके कमेंट ऑफ कर दे रहा है। हाँ। वो हम ऑफ नहीं कर रहे हैं, वो यूट्यूब कर रहा है, बदमाश यूट्यूब। तो ओके, सो आज का वीडियो को हम लोग यही एंड कर देते हैं, क्योंकि ये बड़ा सा डॉल हाउस अनबॉक्स करने में मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड आई होप आप लोगों को देखने में भी अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये पेपा पिग डॉल हाउस सेट चाहिए तो इसका जो लिंक है वो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेक करके इसको बाय कर सकते हो। So guys, hope you enjoyed watching this video till the very end, and if you did then don't forget to like, share and subscribe and click the bell icon. Bye! See you in the next video. Tab tak ke liye take care and bye bye!